सबसे ज्यादा चेंजिंग आएगी 5 लाख के सिस्टम में जो हम लोग पुर्तगाल में करते हैं, मतलब कि अपने रेजिडेंस कार्ड के लिए अपनी एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, उसको यहाँ पे हम 5 लाख करना बोलते हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी, पुर्तगाल की जो इमिग्रेशन है वो बंद होने जा रही है, ये कल रात की रिपोर्ट है और ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा फैल भी की है क्योंकि बहुत बड़ी न्यूज़ है। क्योंकि पुर्तगाल में हम लोगों को रेजिडेंस कार्ड मिलता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे आते हैं। और अगर अभी ऐसा हो जाएगा, इमिग्रेशन बंद हो जाएगी, तो अभी क्या होगा? और मोस्टली जो नए लोग पुर्तगाल में आना चाहते हैं उनको अभी आना चाहिए कि नहीं? और ये जो इमिग्रेशन है ये कब बंद होगी और क्या होने जा रहा है पुर्तगाल में, एक एक चीज़ आपको बताता हूँ। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर तो आपने हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें। इंस्टाग्राम और फेसबुक का पेज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जब आप लोग मुझे मैसेज करते हैं तो आजकल मैं एक आध मैसेज ही यार अलाउ करता हूं, क्योंकि आपके पीछे 100 बंदा होता है जिसको मैंने रिप्लाई देना होता है, वो बेचारे मेरे रिप्लाईज का इंतजार कर रहे होते हैं और सब लोगों को रिप्लाई देने में थोड़ी देरी भी हो जाती है। और ये मेरा खुदा ही जानता है कि ये सारी चीज़ें मैं कैसे मैनेज करता हूँ, क्योंकि मुझे सबको रिप्लाई देना होता है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, ये जितने भी स्क्रीन शॉट्स हैं मैं यहाँ पर लगा भी दूंगा, आप अपनी खुद भी तसल्ली कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि अभी क्या होने जा रहा है। तो जी देखें, 2023 में इमिग्रेंट्स की तादाद और एप्लीकेशंस की तादाद कितनी थी? 3,70,000 के करीब थी। और 2024 में ये वाली तादाद तकरीबन 5 लाख के करीब आ गई है और ये कम होने का नाम नहीं ले रही। और इस वजह से यहाँ की गवर्नमेंट को और यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे ये इमिग्रेंट्स के नंबर्स, इमिग्रेशन की तादाद बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम डिले होते जा रहे हैं। ऊपर से यहाँ पे आपको पता है ये नई हुकूमत भी आ चुकी है, और ये जो नई हुकूमत है ये जीत तो गई है, लेकिन ये चल किसके नक्शे कदम पे रही है? शेगा पार्टी के। शेगा पार्टी जीती तो नहीं है, लेकिन शेगा पार्टी ने बहुत ज़्यादा सीटें ली हैं। और ये शेगा पार्टी वो है जो इमिग्रेशन और इमिग्रेंट्स को, मतलब कि हम लोगों को, इतना पसंद नहीं करती। और इसी वजह से ये जो नई हुकूमत है वो उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रही है। क्यों चल रही है ये आपको अभी समझने की जरूरत है, जो लोग पुर्तगीसी हैं, क्योंकि वही तो लोग उनको वोट डालते हैं। हम लोगों का तो वोट एक्सेप्टेबल नहीं होता ना, तो हम लोग तो उनको वोट नहीं डालते। तो इस वजह से जो यहाँ की गवर्नमेंट है नई, वो चाहती है यहाँ के मकामी लोगों को हम थोड़ा सा प्रोटेक्ट करें, उनको बताएं कि हाँ भाई, हम इमिग्रेशन और इमिग्रेंट्स को कंट्रोल करेंगे और यहाँ पे ठीक ठाक नए ऐसे रूल्स लेके आएंगे जिससे सारी चीज़ें अपने लेवल पे आ जाएं। इसी वजह से पुर्तगाल बहुत बड़ा चेंज करने जा रहा है अपनी इमिग्रेशन को लेके, और हम लोग ये जो 5 लाख करते हैं, इंटरेस्ट ऑफ एक्सप्रेशन जिसको बोलते हैं, इसको भी चेंज करने जा रहा है। और नए नए आर्टिकल भी यहाँ पे अभी मतारफ दरियाफ्त हो सकते हैं इमिग्रेशन को लेने के लिए, क्योंकि आपको पता है पुर्तगाल की इमिग्रेशन ओपन है। तो यहाँ पे बॉर्डर का सिस्टम है ना, बहुत थोड़ा सा लाइट सा है। यहाँ पे हर एक इंसान आ रहा है, जिन लोगों के पास वीजा है, जिन लोगों के पास वीजा नहीं है, सारे लोग आ रहे हैं। और इस वजह से पुर्तगाल इसको अभी कंट्रोल करने जा रहा है। पुर्तगाल चाहता है कि हम एक ऐसा प्लान लेके आए, हम कुछ ऐसा सिस्टम मुतारफ कराएं जिससे लोग लीगली एक तो पुर्तगाल में इंटर हों, और इस प्लान में सीजनल वीजा भी आ सकते हैं, वर्क वीजा भी आ सकते हैं, और जॉब सीकर टाइप के वीजा भी आ सकते हैं, ताकि इंसान लीगली इंटर हो और वो अपने रेजिडेंस कार्ड के लिए अप्लाई करे। सबसे ज्यादा चेंजिंग आएगी 5 लाख के सिस्टम में जो हम लोग पुर्तगाल में करते हैं, मतलब कि अपने रेजिडेंस कार्ड के लिए अपनी एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, उसको यहाँ पे हम 5 लाख करना बोलते हैं। और ये जो लोगों को ईमेल्स वगैरह आती हैं, हम लोग वेट करते हैं और किसी इंसान को कभी ईमेल आते ही नहीं है, इसके ऊपर भी वर्कआउट होगा। और देखा जाए तो अगर ये 5 लाख के सिस्टम को चेंज कर देते हैं तो इससे लोगों को, हम लोगों को, आप लोगों को बहुत फायदा होगा, क्योंकि ये जो 5 लाख का सिस्टम है ना, क्योंकि मैंने भी इसको फेस किया है और ये बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग जब अपनी 5 लाख करते हैं, बाद में इंतजार करते हैं और किसी को ईमेल आ जाती है, किसी को ईमेल नहीं आती, तो बहुत ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है और कुछ लोगों की तो फाइल कैंसिल ही हो जाती है। तो इस चीज को पुर्तगाल अभी चेंज करने जा रहा है। होप के बहुत ही अच्छा आर्टिकल आएगा, बहुत ही अच्छा रूल आएगा, जिससे वो एटलीस्ट 5 लाख का सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। और अभी ये पुर्तगाल की इमिग्रेशन अभी बंद कब हो सकती है? तो जनाब, अभी ऐसा फिलहाल कोई चांस नहीं है। इस इमिग्रेशन को बंद होते होते भी तकरीबन
महीनों लग जाएंगे, लेकिन ऑफिशियली एक दिन तो इमिग्रेशन पुर्तगाल में बंद होनी ही है। लेकिन अभी एक दो महीने में ऐसा नहीं हो सकता। तो अगर कोई इंसान आपको कहता है कि हाँ भाई इमिग्रेशन बंद हो गई है, तो वो बिल्कुल भी एक गलत और बिल्कुल फेक न्यूज है। समझो कि वो इंसान आपको डरा रहा है। होगा क्या, जितने आप लोग डरेंगे उतनी जल्दी और उतनी तेजी से आप लोग पुर्तगाल में फाइलें भी लॉक करवाएंगे या करेंगे, तो इससे और ज्यादा लोगों का बिजनेस चमकेगा। पर आप लोगों को अभी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको अभी अमल दरामद होते होते बहुत महीने लगने वाले हैं। ये कोई ऐसी मामूली सी चीज नहीं है कि हाँ भाई गवर्नमेंट ने कह दिया और इमिग्रेशन बंद होगी। यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग हैं। अगर इमिग्रेशन बंद होगी तो यहाँ पे लोग, ये जो हम जैसे लोग होते हैं ना, यहाँ पे ब्राजीलियन है, अंगोला के लोग हैं, पूरी दुनिया से लोग आए हुए हैं। हम एशियन को आप एक से एडमिट कर दो, इंडियन, पाकिस्तानी, बंगाली, नेपाली, लेकिन यहाँ पे ब्राजील के लोग हैं, अंगोला के, मोजम्बिक के, और सारी दुनिया के लोग पुर्तगाल में आके बसे हुए हैं सिर्फ और सिर्फ इमिग्रेशन के लिए। तो पुर्तगाल नहीं चाहता कि यहाँ पे कोई गड़बड़ी हो और यहाँ पे कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाएं जिससे उनको एक और नई प्रॉब्लम का फेस करना पड़ जाए। तो इस वजह से पुर्तगाल अभी क्या करेगा, इन सबको कंट्रोल करेगा और अपने रूल्स को और ज्यादा टाइट करेगा, ताकि जिसने भी पुर्तगाल में आके रहना है वो लीगली तौर पे स्टे करे, लीगली तौर पे रहे और लीगली ही तौर पे अपनी एप्लीकेशन, अपना रेजिडेंस कार्ड के लिए अप्लाई करें। तो इस वजह से पुर्तगाल इमिग्रेशन को बंद करते करते लोगों को टाइम भी देगा कि हाँ भाई हम ऐसा करने वाले हैं, आप लोग अपना कोई जगाठ वगैरह कर लें। क्योंकि अगर एकदम से इमिग्रेशन बंद हो जाएगी तो यहाँ पे जो लोग हैं वो भी बाहर सड़कों पे आ जाएंगे, स्ट्राइक या एहतजाज वगैरह करेंगे कि हाँ भाई हम यहाँ पे रहते हैं, टैक्सेस वगैरह देते हैं। हालांकि पुर्तगाल की गवर्नमेंट को हम लोगों के टैक्सों से बहुत ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि हम इमिग्रेंट्स सबसे ज्यादा पुर्तगाल में टैक्स पे करते हैं। क्योंकि हम लोग टैक्स पे करते हैं, उसी वजह से हम लोगों को पुर्तगाल में पेपर्स मिलते हैं, डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि पुर्तगाल इमिग्रेशन से रिलेटेड 3 से 4 हफ्तों के अंदर अंदर एक और न्यूज आप लोगों के लिए बहुत बड़ी लेके आएगा, जिससे आप लोग या तो शॉक्ड हो जाएंगे या तो फिर आप लोग हैप्पी हो जाएंगे। तो फिलहाल पुर्तगाल की इमिग्रेशन कुछ महीने चलती ही रहेगी, आप फील फ्री रहें, इजी हो जाएं। बस यहाँ पे रूल्स अभी बहुत ज्यादा वो टाइट करने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा इलीगल चीजें भी होती हैं, लोग कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हैं और बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। और यहाँ पे अभी गवर्नमेंट को एक एक चीज का पता चल गया, और इस वजह से जनाब अगर आपको पुर्तगाल में कार्ड लेना है तो पहले तो आप लोगों के लिए एडवाइस है कि यहीं पे रहें। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट वगैरह बाय करने का सोच रहे हैं ना, समझ लें कि आप अपने पैसे ऐसे फेंक रहे हैं और आपको पता भी नहीं है कि वो जा कहाँ रहे हैं। तो जी आज के वीडियो में इतना ही, होप कि मैंने आपको सब कुछ गाइड कर दिया। अगर मैं कुछ स्किप कर गया हूँ या मिस कर गया हूँ, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं वहां पे रिप्लाई दे दूंगा या फिर मैं उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दूंगा। तो जी मुझे दुआओं में याद रखें और ऐसे ही प्यार करते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।